गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है दोस्तों? है, बोलने से पहले अपना खाना तो निगल लो। मेरे 41 तुम्हारे 40, मैंने बढ़त बना ली। ओह मैन, अब रहने भी दो। हे, ये हमारे लिए जरूरी है। तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा है, साफ कर लो। तो क्या तुम दोनों किसी विषय पर काम कर रहे हो? दूसरे सभी ग्रुप्स ने अपने टॉपिक्स चुन लिए हैं अपनी रिसर्च और क्रिएटिव क्लास के लिए। तुम जानती हो हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारे पास कम समय ही बचा हुआ है। लेकिन तुम्हारे पास ईटिंग कंपटीशन के लिए हमेशा टाइम है। तुम लोग सच में लेट लतीफ हो। तुम यहाँ अपना शानदार टाइम खराब कर रहे हो। वहाँ हाले और एसु के कुछ बढ़िया टॉपिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुमने कभी भी कुछ करने की कोशिश की है? हाँ, अगर इसे हम तुम दोनों पर छोड़ भी दें तो भी तुम सिर्फ बोरिंग आइडियाज ही लाओगे। दोस्तों, ये हमारे लिए कुछ अलग करने और स्कूल फेस्टिवल में धूम मचाने का मौका है। मुझे पता है हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम अपनी जान लगा दें। बिल्कुल सही, तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा रे। अरे क्या हुआ इसे? साइडिटो, मुझे देखने दो। नात्सुमी, क्या हो गया तुम्हें? नात्सुमी, कम ऑन, इसे नर्स के पास ले चलो। कहाँ है वो? क्या वो ठीक है? ओह हाले, देखो तुम्हारी बहन यहाँ है। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? शायद इसे एनीमिया के दौरे की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। क्या सभी ग्रुप्स ने अपने विषयों का चुनाव कर लिया है? आपको इस सप्ताह के रिसर्च एंड क्रिएशन क्लास के लिए एक योजना पत्र तैयार करना होगा। एक थीम को जल्दी से चुने। कुसाकावे, ये भी कोई वक्त है क्लास में आने का? नासुमी ठीक हो जाएगी। अरे वो तो इसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन है। मुझे पता चला है कि हमारे कुछ छात्र बिना अनुमति के ही क्रेम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी कक्षा से कोई भी नहीं होगा। ये कॉलेज प्री बोर्डिंग स्कूल है और आप सभी देश के सर्वश्रेष्ठ छात्र होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्रेम स्कूल की कोई जरूरत नहीं। यहाँ परिसर छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के सख्त नियम है और हर एक छात्र को इसका पालन करना होगा। अरे लगता है यहाँ पर कोई भारी लेक्चर चल रहा था। माफी चाहता हूँ देर से आने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगा। तुम मिस्टर तकामिने को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हो जब तुम उनके सामने ऐसे करतब करते हो। तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो? मैं तो सिर्फ हालात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ कि तुम लोगों को मेरे साथ साफ सफाई करनी पड़ रही है, जबकि गलती सिर्फ मेरी है। ये अच्छा ही हुआ। वो कैसे? क्योंकि इससे हमारी पूरी टीम को एक साथ आने का मौका मिला। रिसर्च एंड क्रिएशन क्लास के लिए हमें थीम मिल गई है। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था जब तक कि हमने थीम को कुछ लोगों पर छोड़ दिया था जिन्हें हम जानते हैं। ये मेरे बारे में ही बात कर रही है। अरे वाह, इस बॉल पर तो ऑटोग्राफ है। हाँ सच में, ये किसके हो सकते हैं? पता नहीं। नात्सुमी कैसी है?
ओह, वो अब पहले से बेहतर है। वो दूसरे पीरियड के बाद क्लास में जाना चाहती थी। उसकी चिंता करने के लिए बहुत शुक्रिया। पर उसे हुआ क्या था? उसने बताया कि वो ठीक से सो नहीं पाई थी। वो अब हाई स्कूल जाने वाली है, शायद उस पर होमवर्क का दबाव होगा। हालांकि नाजुमी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, क्या लगता है वो अभी अच्छे ग्रेड ला रही है? कह नहीं सकती, मुझे लगता है वो इसी के कारण तनाव में है। उसके स्कूल वर्क के लिए मैं भी परेशान हूँ। तुम नहीं समझो कि मुझे ना कहा करना है, कितना मुश्किल है। अरे, मेरे पूछने का मतलब ये था कि क्या तुमने जीनियस स्कूल के बारे में कभी सुना? क्या कहा, जीनियस स्कूल? लगता है तुम सारी रात उसी के बारे में सोच रहे थे। क्यों? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने उस स्कूल के बारे में सुना है जो लोगों को जीनियस बनाते हैं। हमारे सीनियर्स इस बारे में बात कर रहे थे, मैंने वहीं पर यह सुना। हाँ? तो क्या मुझे रविवार को कैंपस से बाहर जाने की परमिशन मिलनी चाहिए? तुम कर्फ्यू से पहले वापस आ जाना, कल तुम्हें सबसे पहले जीनियस स्कूल जाना है। सो जाओ। जीनियस स्कूल? अगर मैं सो रहा हूँ तो जीनियस कैसे बनूंगा? ये ऐसे ही काम करता है, वे इस चीज को आपके सर पर रख देते हैं और आपको नींद आ जाती है, और फिर ये हो जाता है। जब तुम जागते हो तुम्हारी मेमोरी पूरी तरह से सुपर पावर बन जाती है। बेसिकली ये फोटोग्राफिक है, तुम कुछ भी याद कर सकते हो। ओह, तो इस तरह तुमने अपने परीक्षणों को कुशल बनाया है। सुनो, इस बारे में किसी को भी मत बताना, अगर ये बात फैली तो इसे पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। तुम मजाक कर रहे हो? एसुके, तुम्हें पता होना चाहिए वो तुम्हारे साथ खेल रहे थे। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं सीनियर्स के बाथरूम में था, उनको तो पता भी नहीं था कि मैं उनके बाथरूम में हूँ। ओह, बाय द वे, आप सीनियर्स के बाथरूम में क्या कर रहे थे? ये मजेदार है। तुम्हें क्या लगता है, मिस्टर ताकामी ने होम रूम में पहले भी क्रेम स्कूल के बारे में बात कर चुके हैं? अच्छा, तो तुम सीनियर्स के बाथरूम में छिपते हो ताकि तुम वहाँ गंदगी फैला। ये सब कितना गोलमाल लगता है ना, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसे पूरे स्कूल से क्यों छिपा रहे हैं? हाँ, थोड़ा अजीब तो है, लेकिन सिर्फ एसुकी के बकवास में ही उस बाथरूम का गहरा रहस्य नहीं था। ओके मिस्टर मारुई, फिर मिलते हैं। बाय मिस्टर मारुई। हे, क्या तुमने पूरी मूवी देखी? जल्दी कीजिए, दोबारा बस जाने वाली है। ओह, थैंक्स मिस्टर मारुई। अपना ध्यान रखना, मजे करो। तुम शहर नहीं चल रहे? अब हमारी कोई क्लब मीटिंग भी नहीं है। वेल, मैं जाऊंगा अगर तुम भी चलो। मेरे नहीं, ऐना के साथ जाओ। तुम उसे डेट पर या कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? हम तो हर रोज ही दूसरे को देखते हैं। अपने बारे में भी बताओ, तुम हेले के साथ कहां तक पढ़ चुके हो? कुछ बहुत ज्यादा नहीं। वैसे तुम लोग डेटिंग कर रहे हो ना, है ना? देखो तो जरा, बात भी कौन कर रहा है। वैसे ऐना के साथ तुम्हारा कब से चल रहा है? अभी शायद 3 महीने हुए हैं। इसके अलावा हम स्कूल के बाद क्लब जाते हैं, और वैसे भी वो स्टूडेंट काउंसिल में बिजी है। तो फिर शायद ही तुम डेटिंग कर पाओ। देखो तो, ये बात भी कौन कर रहा है। क्या बात है गाइस, सब ठीक है? रहने भी दो। क्या बात है, चलो अब बताओ भी। ठीक है। ये नाथसुमी के बारे में है। ओह, मुझे पता था यही बात है। वो बस अपने ग्रेड्स को लेकर चिंतित है। वैसे भी वो इतनी मुश्किल पढ़ाई से थक चुकी है। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टडीज में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। जाहिर है वो और हाले इस बात पर लड़ रहे थे। मैं दोषी हूँ, ये सारी मेरी गलती है। अगर वो ठीक से नहीं पढ़ रही थी और तब भी उसके अच्छे ग्रेड्स आए, तो ये क्या उसका भाग्य था? अब तुम रो क्यों रही हो? You idiot, वो क्रेम स्कूल गई थी। तुम्हारा मतलब जीनियस स्कूल? ये सारी मेरी गलती है। मुझे बहुत बुरा लगा जब वो अपने क्लास वर्क के लिए पीछे जा रही थी। इसका मतलब ये स्कूल सच में उतना ही क्रेजी है जितना कि एसुके ने सुना था? मतलब क्या है तुम्हारा?
जब से नात्सुमी वहाँ गई है उसे बुरे सपने दिखने शुरू हो गए हैं। वो सो नहीं पा रही। कभी कभी वो अचानक आती है और खुद को अकेली जंगल में चलता पाती है। हे कम ऑन, ये पूरी तरह से सनक भी नहीं है। फिर हाली को फाइनली इस बारे में बात करने का मौका मिल गया। तो फिर उसके ग्रेट सुपर कैसे हो गए? वो बदल गई है। जो कुछ भी देखती है उसे याद कर लेती है, जैसे उसके दिमाग में कोई कैमरा लगा हो। वो बस अपने दिमाग को रिवाइंड कर लेती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। क्या किसी और को लगता है कि वो अजीब है? चुप रहो। तो क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी, मुझे भी नहीं पता। सब बहुत अजीब है। ये एक अच्छी बात कैसे हो सकती है? वो हर वक्त बुरा महसूस करती है, वो कमजोर हो रही है, उसकी नसें सूखती जा रही हैं, और उसे आखिरकार ये तक नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। शायद उसे अपने टीचर से बात करनी चाहिए। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो किसी टीचर को बता देगी कि उसका जीनियस माइंड उसे सारी रात जगा कर रखता है। शायद तुम सही हो। क्रैम स्कूल जाना नियमों के पूरी तरह विरुद्ध है। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेंगे अगर उसने कहा कि वो अकेली आधी रात को जंगल में पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी? मैं नहीं जानता। एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ हमारी हेल्प कौन कर सकता है। हमें किसी ऐसी जगह पर मिलने के बारे में सोचना होगा जिसके बारे में कोई ना जानता हो। मतलब एक गुप्त स्थान। मैं शर्त लगा सकता हूँ एसु के ऐसी जगह के बारे में जानता है। एसुके, वैसे कितने साल पहले ये जगह एक क्लब रूम थी? जरा देखो इसे, वेलकम टू माय किंगडम। एसुके, ओ मैन, ये जगह कितनी बढ़िया है। तुमने इस जगह के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कभी कभी तन्हाई में रहने की आदत है। तो तुम ढेर सारे कॉमिक्स के साथ खुद को यहाँ बंद कर लेते हो? ओ, मुझे लगा था ये बात यही खत्म हो चुकी है। Come on, chill dude. वो सब तो ठीक है, लेकिन एना का प्लान है क्या? वो मुझे नहीं पता, बस उम्मीद है कि वो काउंसलर जिसकी वो बात कर रही थी सच में कुछ करके दिखाएगा। और अगर हम लेट हुए तो हॉस्टल का वार्डन नाराज हो जाएगा। सभी सुनो, अंदर आइए प्लीज। वो कहाँ है? Well, ये है नात्सुमी। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मुझे उम्मीद है। तुम तीनों, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओके। चिंता मत करो नात्सुमी, मेरा विश्वास करो, ये बहुत अच्छे हैं। ये मेरे ट्यूटर थे जब मैं ग्रेड स्कूल में थी। ये एक अच्छे सलाहकार हैं, इन पर भरोसा रखो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर लो। बहुत बढ़िया, बस सांस लेते रहो अच्छी तरह, आराम से और धीरे गहरी। ये सिर्फ एक काउंसलर ही नहीं, ये तो हिप्नोटिस्ट भी है। गुड, तुम्हें अच्छा और शांत महसूस करना चाहिए। अब अपने मन में घड़ी की एक तस्वीर बनाओ। हाथों को देखो, समय को पलटकर पीछे देखते हैं। धीरे धीरे से पीछे जाते हैं। ये तो धीरे धीरे हिप्नोटाइज हो रही है। इससे इसकी ओल्ड मेमोरीज वापस आ जाएंगी, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। वाह, अब हम लगभग एक महीने पीछे आ चुके हैं। तुम खुद के शहर में हो और तुम जीनियस स्कूल नाम की जगह पर आई हो। अभी तुम वहां पर क्या कर रही हो? मैं नीचे लेटी हुई हूँ बिस्तर पर, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा, फिर ठीक से नहीं कह सकती, थोड़ी रोशनी है, एक तेज प्रकाश, और अब ये मेरे करीब आ रही है, और अब ये रोशनी मेरे चारों ओर है, और अब मैं तैर रही हूँ, मैं सीधा छत की ओर जा रही हूँ, मैं छत की ओर जा रही हूँ। तुम रोशनी में लिपटी हुई हो, तुम्हें छत के जरिए बाहर ले जाया जा रहा है। अब तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं पता, सब बहुत चमकीला है। क्या ये UFO है? मैं अंदर जा रही हूँ। ये और कौन देख रहा है?
मुझे नहीं पता, रुको ये बहुत बड़ा है। क्या ये छोटा सा है, लगभग 3 फीट लंबा? हाँ ये छोटा है लेकिन इसका सर बड़ा है और इसकी इसकी बड़ी काली आंखें हैं। आई कांट, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, बताओ आगे क्या होगा। वो कोई ऑपरेशन सा कर रहे हैं मेरे सर में। ये सब काफी है मिस्टर याओकी, प्लीज वो डर गई है। थोड़ी देर और वो ठीक हो जाएगी। क्या हुआ, क्या तुमने कुछ और देखा? एक टक्कर, हम किसी चीज से टकराए, बहुत जोर से, ये हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है। वो डर रहे हैं, वो रुक गए, ऑपरेशन रुक गया। वो कह रहे हैं उसे वापस लाओ, और अब मैं बिस्तर में लेटी हुई हूँ। क्या तुम क्रैम स्कूल वापस आ गई हो? वो कह रहे हैं कि अब मैं घर वापस जा सकती हूँ। ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो, गुड। तुम अब धीरे धीरे खोलो, मैं ताली बजाऊंगा। नाज़ुमी, क्या तुम ठीक हो? आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये पूरी तरह से एलियंस का हमला था, लगता है स्कूल से उसका अपहरण कर लिया गया। इम्पॉसिबल, मुझे लगता है कि वो ग्रे एलियंस होंगे। संभावना यही है। ग्रे एलियंस? वो ऐसे एलियंस हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं। हाँ, हमें ये जानकारी मिली है कि ग्रेज पूरी दुनिया से लोगों का किडनैप कर रहे हैं जांच के लिए। तो वे नात्सुमी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वो शायद उसके दिमाग में एक चिप इम्प्लांट करना चाहते थे। क्या ये ऐसा है कि वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ खत्म करते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑपरेशन किसी प्रकार की रुकावट के कारण अधूरा रह गया। लेकिन अगर उन्होंने ऑपरेशन पूरा कर लिया होता तो क्या होता? तो फिर मस्तिष्क के अंदर एक माइक्रोचिप लगाने से ग्रेज उसको ट्रैक करके उसके बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर लेते, और ये भी हो सकता है कि वो इसको नियंत्रित करने लगते, और यहाँ तक कि इसके सोचने समझने की पावर को भी। और क्या इन चिप्स को हटाने का कोई तरीका है? ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो सिटी स्कैन में भी दिखाई नहीं देती, हमारी तकनीक अभी इसे नहीं पकड़ पाई है, वो हमसे एडवांस है। कम ऑन, अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये मत कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है, उसे सुरक्षित रखने के लिए हम सब कुछ करेंगे, चिंता मत करो नात्सुमी, सब ठीक हो जाएगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम रिसर्च एंड क्रिएशन क्लास के लिए आप सभी को यहाँ देखकर बहुत खुश हुए हैं। आज के हमारे अतिथि वक्ता इस एकेडमी के एक पूर्व छात्र और नाज़का विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर हैं। ग्रे एलियंस। प्रोफेसर योके का तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद, यहाँ आने पर खुशी हुई। मैं समझ सकता हूँ इस समय हर किसी को नींद आ रही है, मैं खुद पूरी नींद नहीं ले पाया हूँ। उम्मीद है जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ वो आपको जगा कर रखेगी। ये तो वही आदमी है। हाँ, कल रात उन्हें मैं उनके ऑफिस से लेकर आई थी, इसी वजह से वो इतने थके मांदे दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अंतरिक्ष अनुसंधान के दौरान मुझे कुछ यकीन हुआ है, ये सिर्फ मेरी धारणा हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है उसका कुछ अर्थ है, और ये कि सभी जीवित चीजें जीवन का उद्देश्य और इरादा रखती है। गोल्डन रेशियो पर विचार करें, क्या सचमुच इसका जन्म महज एक इत्तफाक है? जैसे ही आप उस प्रक्रिया के बारे में अधिक पता लगाते हैं जो ब्रह्मांड को व्यवस्थित करती है, वहां एक विशेष बल महसूस होता है, या इस सभी के पीछे कोई मार्गदर्शक इच्छा होती है। हम सोचते हैं यही ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा, सितारों और आकाश गंगाओं और हमारी दुनिया का। इसलिए ऐसा लगता है कि उस कुछ की इच्छा शक्ति हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक, और वो मनुष्यों से ज्यादा बुद्धिमान है। प्रोफेसर, अगर आप सच में मानते हैं कि ये इंसानों से बेहतर हैं, तो आपको लगता है कि ये एलियंस हो सकते हैं? हे चुप रहो। इसकी बात में दम है, किसी भी ज्ञात एलियन प्रजाति का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उसी तरह से जैसे देवताओं या स्वर्ग दूतों का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हुआ है।
लेकिन सबूतों की कमी से इनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। विज्ञान अधिकतर तथ्यों को मापने का हमारा वर्तमान मानक है। ये हो सकता है मनुष्य में अभी तक ये साबित करने की वैज्ञानिक क्षमता नहीं है। अज्ञात को उजागर करने और गढ़ने के लिए विज्ञान का संघर्ष जारी है। मैं नहीं समझता कि हमें अज्ञात से इनकार करना चाहिए और ना ही इसे पूरी तरह नकारना चाहिए। मेरा मानना है इसे हमें अपने लक्ष्य की तरह लेना चाहिए। मुझे लगता है ये सच एक सच्चे वैज्ञानिक के दिल और उसके दिमाग में होता है। मिल गया, आखिरकार मुझे मिल ही गया। क्या मिल गया? मुझे एक टॉपिक मिल गया। ये हमारे रिसर्च और क्रिएटिव प्रेजेंटेशन के लिए एकदम सही रहेगा। क्या है वो? UFO और एलियंस के पीछे की सच्चाई। ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम उन एलियंस को बेनकाब करेंगे, उन्हें दिखा देंगे कि वे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और नात्सुमी की रक्षा करेंगे। हम उनकी कमजोरियों को ढूंढेंगे और उनको वहीं पर मारेंगे। तुम सब मेरे साथ हो? क्या कहा? ये बुरा विचार नहीं। तुम्हें क्या लगता है? तो शुरू करते हैं। ये हमारी तरफ से भविष्य के लिए चुनौती होगी। लगता है इस बार ये सीरियस हैं। हाँ, हमारी तरफ से भविष्य के लिए एक चुनौती। अरे ये वाकई सही है, वो पूरे भविष्य का सामना करने वाली बात है। ये हमारा नाम हो सकता है, हम खुद को टीम फ्यूचर कह सकते हैं। हाँ, मुझे ये पसंद है। ये वाकई बढ़िया है, थोड़े में ही सब कुछ कहता है। तो अभी के लिए हमारे पास एक अच्छा टॉपिक और एक अच्छा नाम है। अभी के लिए क्यों, हमेशा के लिए क्यों नहीं? प्रेजेंटेशन के लिए अभी भी हमें पक्के सबूतों की जरूरत है, बिल्कुल पक्के। UFO पिक्चर्स के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है वीडियो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्यों नहीं? गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल फेस्टिवल में वार्षिक रिसर्च एंड क्रिएशन क्लास के प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं इस ग्रुप के पसंद के विषय के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। मुझे कहना है कि इस तरह का एक गैर वैज्ञानिक विषय चुनना ये साबित करता है कि वो इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे। मिस्टर तकामिने, आप उनके होम रूम शिक्षक हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आप उन्हें एनकरेज करेंगे उनके टॉपिक पर फिर से एक बार सोचने के लिए? लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि ये नियमों के खिलाफ है? स्कूल के बनाए नियमों को तोड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। क्या तुम इन गर्मियों की छुट्टियों में घर नहीं जा रहे? नहीं, मुझे शायद प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। तो फिर मैं भी यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, तुम घर जाओ। तुम यहां अकेले क्या करोगे? जानते हो ना, सीनियर्स के लिए ये आखिरी समर ब्रेक है। आधे से ज्यादा बच्चे अपनी स्टडी के लिए हॉस्टल में रहने की योजना बना चुके हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में सोचना शुरू करें। वैसे ये बताओ कि हमें क्या पढ़ना होगा? अभी तक कुछ पता नहीं। हे, क्या हुआ? अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये स्कूल किसने बनाया होगा। वेल, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं जानता हूं। हा? मुझे लगता है ये स्कूल टीचर्स ने ही मिलकर बनाया है ताकि वो अपने लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्कूल्स इसलिए बनाए गए ताकि टीचर्स पैसा कमा सके? मुझे नहीं लगता। तो क्या तुम्हें इससे बेहतर पता है? पता नहीं। यार, काश मैं एक शिक्षक होता, आराम से नौकरी करता और गर्मियों की छुट्टियों में कोई काम नहीं करता, किसी को भी लात मार सकता था। मजेदार। वैसे तुम क्या करते रहे? अपने दादाजी की तरह एक पुलिसमैन बनते? हाँ, शायद मैं सेल्फ डिफेंस फोर्स में शामिल हो जाऊंगा या फिर ऐसा ही कुछ। तुम मजाक कर रहे हो। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा करें, है ना? कम से कम मैं तो यही सोचता हूँ। तुम मजाक नहीं कर रहे? पढ़ाई किए बगैर मैं पायलट नहीं बन सकता, तुम तो जानते ही हो। पायलट? तुम? हे रुको, अगर कोई एलियन अटैक होता है तो क्या तुम उनसे लड़ना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, UFO पर निशाना लगाओ और उसे तबाह कर दो।
क्या तुम जानते हो मेरा सपना है एक यूएफओ बनाने का। मैं सबसे शानदार डिजाइन बना सकता हूँ, एलियंस से भी ज्यादा अच्छे। मैं इसे हाईटेक बनाऊंगा ताकि हम किसी से पीछे ना रह सके। आइडिया बुरा नहीं है, बस तुम मुझ पर मर मत जाना। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम इतने उल्लू जो। मैं नहीं मरने वाला, बस तुम मेरे लिए वो यान बना दो। मैं जरूर बनाऊंगा, मैं रिसर्च करूंगा और इसे तैयार करूंगा। ओ, पर इसके लिए मुझे पढ़ना होगा, जो मुझसे नहीं होता। क्या तुम ये कर पाओगे? अरे तुम दोनों, हाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? छुट्टियों में घर नहीं जाना क्या? तुम दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि सब कुछ केवल तुम दोनों पर ही छोड़ दिया जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? हे ये पढ़ो, इस किताब में सब कुछ है। ओ हाँ। अरे एजुके, तुम भी? हाँ, मैंने सोचा मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा तो। गर्मी की छुट्टियां बिताने का ये सबसे बुरा तरीका नहीं है। हे वहां देखो। यहां से वो कुछ खास नहीं दिखता। ये जगह मुझे कुछ अजीब दिखती है। लेकिन पहले हमें कुछ ठोस सबूत हासिल करने होंगे। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि इस यात्रा के दौरान हमें कुछ मजेदार अनुभव होने वाले हैं। चुप रहो, सुनो एसुके, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये बस एक छोटा सा राज रहेगा, समझ गए तुम? तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? जरूर कुछ गड़बड़ है। ओह मिस्टर मोरोई, रुको जरा, तुम टीम फ्यूचर के सदस्य हो ना? क्यों, यूएफओ पर कुछ रिसर्च कर रहे हो? वेल, मुझे लगता है ऐसा ही है। ये बहुत दिलचस्प है। जब मैं बच्चा था तब से उस चीज का बड़ा दीवाना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर करोगे। थैंक्स। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मजे करो। ओह, कहां चले गए वो लोग? मिस्टर मोरोई की वजह से मैंने उन लोगों को खो दिया। ओह मैन, मुझे पता भी नहीं कि जाना कहाँ है। मैं टॉर्च भी यूज नहीं कर सकता, नहीं तो वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। हाँ?
बचाओ बचाओ। मुझे नीचे उतारो, मुझे जाने दो। ओए टाइलर, चलो अब उठो भी, काफी देर हो गई, हमने लंच भी नहीं किया। चलो मैं अकेला जाता हूं। टाइलर क्या हुआ तुम्हें? अरे टाइलर, इसका मतलब है तुम कल रात वहां गए थे। क्या हुआ था कल रात? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये एक सीक्रेट है, समझे ना तुम। वैसे तुम्हें अब इसके बारे में पता चल ही गया होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या किया तुम लोगों ने? वेल, मैं सो गया था। ओ, मैं जानती हूँ। हाँ? मैं शर्त लगाती हूँ, जब एसु के खराटे मार रहा था, टाइलर को हॉस्टल से किडनैप कर लिया गया था एलियंस द्वारा। क्या सचमुच? शायद कुछ कुछ ऐसा ही है। क्या? तो तुमने इस बारे में बताया क्यों नहीं? हम नहीं चाहते थे तुम्हें इस बारे में पता चले, नहीं तो तुम उनसे उलझने की कोशिश करते। इसलिए कल रात मैंने अपना वीडियो कैमरा लिया और छिपकर उनका पीछा किया ताकि मैं कुछ सबूत इकट्ठा कर सकूं। मुझे लगा कि अगर हम सब जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने दम पर ही जाऊं। तो तुम्हारा मतलब है कि सारी वाहवाही तुम अकेले लूटना चाहते थे? मैं ऐसा नहीं मानता। क्या तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो? ये बहुत बुरा है। ठीक है ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने वहां देखा क्या? मैं जंगल में इधर उधर भटक रहा था, तभी एक यूएफओ मुझे दिखाई दी और एक तेज किरण ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। फिर से? हाँ? लगता है ये ग्रेस हमें छोड़ने के मूड में नहीं है। वेल, इस बार वे ग्रे नहीं थे। तो फिर वो क्या था? वो एक वो सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की थी। ये है वो। तो ये है वो बाला जिसने तुम्हें किडनैप किया था? हाँ, मैं वहां था। यूएफओ ने मुझे अंदर खींचा, मुझे बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि तभी एक सुंदर लड़की मेरे सामने थी। उसने मुझसे कहा कि मैं प्लीएट से आई हूँ और मुझे अपनी दुनिया दिखाने की आज्ञा दें। रुको, एक सेकंड ठहरो। उसने तुम्हें ये कहा और तुमने उसकी भाषा को समझ लिया? ये कुछ ऐसा था जैसे हम अपने दिमाग के अंदर से बात कर रहे हैं, टेलीपैथी जैसा। जितना भी मैंने उसे समझा वो विचित्र था। एनीवेज, अब हम प्लीएट्स की ओर बढ़ते हैं। जाहिर है वहां स्थित कुछ प्लैनेट्स पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। वो मुझे उनमें से एक पर ले गई और बताया कि ये उनके स्टार सिस्टम में पांचवां है, पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर। टाइलर ठहरो, ये असंभव है। प्रकाश की गति से भी वहां तक पहुंचने में 400 साल का समय लगेगा। बिल्कुल ठीक, इसलिए हम आत्मा के लोक के जरिए वहां गए थे। आत्मा लोक? हाँ, सच में जब हम आत्मा के लोक के जरिए यात्रा करते हैं तो हम समय से भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। मैं यूएफओ उड़ान के नियमों के बारे में ज्यादा जानना चाहता था, सो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो उड़ान के नियमों को मुझे विस्तार से समझाएंगी। इतनी सारी बकवास, चलो आगे की कहानी बताओ। वेल, इसके बाद हम प्लीएट्स पहुंचे। वहां खूबसूरत नजारा था। उस रहस्यमय सुंदर औरत के अनुसार ब्रह्मांड में सभी एलियंस बुरे नहीं होते हैं। हाँ, फिर उसने कहा होगा कि वो और उसके लोग अच्छे हैं। वेल, तुम जानते हो, शायद कुछ कुछ ऐसा ही कहा था। वो बस एक चाल थी। हाँ? तुम बेवकूफ हो और उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया। शायद ये सही कह रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं करोगे जो आता है और कहता है कि वो कितने अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि टाइलर अपने दिमाग से नहीं बोल रहा है।
ए, एक मिनट रुको, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मेरे पास उनसे डरने की कोई वजह नहीं थी, मुझे कोई भी प्लीडियंस बुरा नहीं लगा। यहाँ तक कि उसने तुम्हें जो भी संकेत दिए वो शांतिपूर्ण थे। अभी तो बस हमें कुछ ठोस सबूतों की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही, जैसा कि तुम्हें पता है कि मैंने अपना वीडियो कैमरा खो दिया था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ सबूत देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? मुझे नहीं पता। क्या बकवास है ये? मैं नहीं जानता तुम्हारा अपहरण हुआ भी था या तुम सपना देख रहे थे। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है रे? एक मिनट रुको, मुझे और कुछ भी याद आया। उन्होंने ये भी कहा था कि प्लीडियंस टीम फ्यूचर के मिशन की रखवाली कर रहे हैं, क्या यह भी मजेदार नहीं है? और हाँ, सबसे जरूरी बात तो मैं बताना ही भूल गया, जिन एलियंस ने नात्सुमी का अपहरण किया था वे बुरे एलियंस थे, ये भी उन्होंने ही बताया। बुरे एलियंस? तुम्हारा मतलब ग्रे एलियंस? मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जान सका सिवाय इसके कि ग्रेस सिर्फ एलियन नहीं है, दरअसल वो उससे भी ज्यादा है। वो साइबोर्ग के जैसे हैं, जिन्हें और कोई हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जानते हो, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बुरे एलियंस ही नात्सुमी के अपहरण के पीछे थे। रेंगने वाले? हाले, तुम्हें ये सब कैसे पता है? हाँ, लेकिन तुम अब तक चुप क्यों थी? दरअसल कल रात मुझे भी एक अनुभव हुआ। क्या? मतलब तुम्हारा अपहरण हुआ? अब रुको, क्या इसी औरत ने तुम्हारा अपहरण किया था? तो वो ग्रे ही थे। फिर वो एक बंदर था। हाँ? कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं खिड़की से सितारों को देख रही थी। तभी एक तेज रोशनी मेरी ओर आते हुए दिखाई दी। पहले मैं थोड़ा डर गई थी, पर मुझे पता था कि ये एलियंस बुरे नहीं थे। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अच्छे और बुरे एलियंस सचमुच में होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। यही तो मैंने कहा था, अब हाले पे यकीन कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती। फिर वो मुझे अल्फा सेंटोरी नाम की जगह पर ले गए। उनकी तकनीक बहुत एडवांस्ड है। उन्होंने बताया कि बुराई के खिलाफ खुद की रक्षा करने के लिए इसे बनाया गया है। उनके सबसे बड़े दुश्मन है रेप्टिलियंस, एक सबसे बुरी नस्ल। वो सबसे बुरे हैं। वो दूसरे ग्रहों पर हमला करते हैं और वहाँ रहने वाले प्राणियों को अपना भोजन बनाते हैं। उन्होंने मुझे भी यही बात बताई थी। उन्होंने ये भी बताया कि रेप्टिलियंस की कुछ प्रजातियाँ पहले ही हमारी पृथ्वी में घुसपैठ कर चुकी हैं। घुसपैठ? लेकिन कहाँ? वो पहले से ही अमेरिका, रूस और चीन की फौज में है। वो देशों के साथ फौजी रहस्यों का लेन देन कर रहे हैं ताकि हमारी दुनिया में उनकी उपस्थिति गुप्त ही रहे। यहाँ कुछ और हैरान करने वाली बात भी है। उन्होंने ये भी कहा नास्का अकादमी के अंदर भी रेप्टिलियंस हो सकते हैं। तो क्या वो हमारे स्कूल में है? शायद वो इंसानों के भेष में आए होंगे। क्या हमारे स्कूल में रेप्टिलियन रहते हैं? लगता है मैं समझ गया हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। ये पक्का जीनियस स्कूल है। ये रेप्टिलियंस चुपचाप हमारी जड़ें खोखली कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने ही नात्सुमी को किडनैप किया होगा। वो यहां पर एक योजना बनाकर आए हैं और वो जरूर एकेडमी पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन वो हमारे ऊपर कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं? समझ आ गया। तुम्हें याद नहीं दोस्तों की प्लेट्स की महिला ने क्या कहा था? टीम फ्यूचर को एक खास मिशन को पूरा करना है। तो साफ है, हमें अपने स्कूल की एलियन से रक्षा करनी होगी। बिल्कुल सही कहा, और हम नात्सुमी की रक्षा भी करेंगे। वैसे मुझे इसकी बात में दम लगता है। वाह, इन मजेदार रहस्यों से पर्दा उठना शुरू हो गया। कमीने, वो इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? हमें एक बार में एक ही शब्द इस्तेमाल करना है, उसके बाद लेखक के भावार्थ, उपसंदर्भ जिसे शब्द में व्यक्त किया गया है को बताना है। ठीक है? ओके, बाय, फिर मिलते हैं। सुनो, तुमने मेरे डेस्क के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की? हाँ, नहीं तो मुझे नहीं पता।
वेलकम सर। इसके बाद हम मानवता के कुछ अग्रदूतों का एक आधुनिक रूप लेंगे। 1920 के दशक में अफ्रीका में इस जीवाश्म की खोज। ए सुखे यार, तुम क्या कर रहे हो? हमें तैयार रहना होगा वरना देर हो जाएगी। मानव जाति के आविर्भाव सबसे नया माना गया है। ओह बुवाएं, क्या बात है? बहुत बुरा हुआ। हे अब बताओ भी क्या हुआ? ये ठीक नहीं है। पर हुआ क्या है इसके? हमारा पूरा डेटा, प्रेजेंटेशन के लिए हमने जो बनाया था सब गायब हो गया है। क्या? ये हुआ कैसे? कल रात मैंने अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को चेक किया था और फिर मैंने उसको सेव भी किया था। मैंने सोचा हम तैयार हैं और मैं सोने चला गया, लेकिन आज मैंने जब फाइल चेक की तो हमारा डेटा इरेज हो गया था। किसी ने उसे डिलीट कर दिया। लेकिन तुमने उसे सेव तो किया था ना? हाँ मैंने किया था, मैं काफी कुछ जानता हूँ। फिर ये हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। जो बैकअप लिया था वो भी गायब हो चुका है। किसी ने हमें बेवकूफ बनाया है। ये जरूर रेप्टिलियंस का काम होगा। हमारी प्रेजेंटेशन का क्या होगा? अब तो हमारी ही बारी है। ओह नो। टीम फ्यूचर, अगला नंबर तुम्हारा है। ठीक है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हम वहां जाएंगे और जीत कर आएंगे। और अगली प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं टीम फ्यूचर, और आज के चर्चा में उनका विषय है यूएफओ एलियंस के पीछे का सत्य। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टीम के मुख्य प्रस्तुतकर्ता रे अमाशिरो का स्वागत करें। मुझे माफ कीजिए, मेरे पास कोई वीडियो, कोई मटेरियल, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। एलियंस सचमुच होते हैं। जी हाँ, उनमें से कुछ हमारे लिए अच्छे और कुछ बहुत बुरे होते हैं। यहां कम से कम दो तरह के एलियंस हैं, जो हमारे साथ हैं, जो नहीं हैं उनकी गिनती अनगिनत है, और वो पहले से ही धरती पर मौजूद है। आज पूरी दुनिया में यूएफओ पर स्टडीज की जा रही है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले हमारे यूएफओ रिसर्च अभी पीछे है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मौजूद हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ हमारे नाज़का एकेडमी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जैसे टाइलर कुसाकाबे और हाले मोरिशिता, और हाँ हाले की छोटी बहन नात्सुमी का भी जिक्र करना यहाँ गलत नहीं होगा। इन सब का एलियन से सामना हो चुका है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अच्छा, एलियंस कैसे दिखते हैं? उन्हें क्या पसंद है? हाँ बोलो भी। गाइस मैं सीरियस हूँ, इन बुरे एलियंस का कुछ प्लान है। वो हमारी नाज़का एकेडमी के साथ कुछ करना चाहते हैं। उन्हें रेप्टिलियंस कहते हैं और वे बेहद खतरनाक हैं। वो पूरे स्कूल पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह मैं तो डर गया। ये सच है, अगर हमने उन्हें अनदेखा कर दिया तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। प्लीज मेरा यकीन करो। क्या तुम चुप रहोगे? तुम्हारे झूठे डर को फैलाने के लिए यह मंच नहीं बना है, तुमने अकेडमी का भरोसा तोड़ा है। लेकिन सर ये सच है, ये सीखने की जगह है। हम यहाँ बेहूदी अटकलें सुनने नहीं आए हैं, समझे तुम? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, टाइलर और हेलेन ने एलियंस का सामना किया है। तो साबित करो, अपने सबूत दिखाओ हमें। ये सच है सर। अगर वाकई रेप्टिलियंस हमारे स्कूल में घुस बैठ कर चुके हैं तो मैं शर्त लगाता हूँ ये प्रिंसिपल भी उनमें से एक है। यूएफओ? सब देखो खिड़की से बाहर, वो तेज रोशनी को। यूएफओ ठीक वहां पर। हाँ?
रे ये तो हमारी एकेडमी है। कोई खूबसूरत लड़की तो नहीं लगता और ना ही ये कोई बंदर है। सावधान रहो और ना ही कोई शब्द बोलो, जहां हो वहीं खड़े रहो। प्रिंसिपल सर। क्या आप नासका अकेडमी के प्रिंसिपल हैं? ये जो भी कहे उसका जवाब मत देना। क्या ये वो जगह है जहां तुम्हारी दुनिया में शिक्षा दी जाती है? क्या शिक्षक बहरे हैं जो छात्रों की दलीलों को सुन नहीं पा रहे? खिड़की से बाहर देखो। ये तो पृथ्वी है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? नहीं, ये सब जो दिख रहा है वो सच है। या, ये तो अमेजिंग है। अब हम तुम्हारे चंद्रमा से दूर जा रहे हैं। ये एक साझा प्रसारण केंद्र है जो विभिन्न नस्लें तुम्हारी दुनिया में प्रवेश के लिए इस्तेमाल करती हैं। पृथ्वीवासियों ने अभी तक दूसरे ग्रहों के साथ बातचीत शुरू नहीं की है। हम दूसरों से बचने के लिए यहाँ छिपते हैं और गुप्त रूप से खोज जारी रखते हैं। तुम किस तरह की खोज करते हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे चंद्रमा के चट्टानों की जांच कर रहे हैं? ये तो असली मून रॉक है, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने 1970 के वर्ल्ड फेयर में देखा था और तब मैं बहुत छोटा था। तो क्या यहाँ रेप्टिलियंस भी हैं? क्या वो रेप्टिलियंस जिन्हें तुम कभी असीम प्रेरणा और कभी तुम्हारे ग्रह के सृजक के रूप में पुकारते हो, वो यहाँ नहीं है। ये बेस गैलेक्टिक फेडरेशन की संपत्ति है। गैलेक्टिक फेडरेशन? इस ब्रह्मांड में कई नस्लें हैं जिनमें हर किसी की अहमियत तय है। अगर उन्हें खुद पर छोड़ दिया जाता तो हमारे पास कोई नियम नहीं होता, कुछ ग्रहों का अस्तित्व ही नहीं होता। जैसे फेडरेशन के सभी ग्रहों का आपस में आदान प्रदान करना और एक दूसरे की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेना। इसका मतलब ये कि नात्सुमी के अपहरण के दौरान जिसने उसको बचाया वो दरअसल तुम थे? वो पूरी तरह से अपहरण के कगार पर थी। तो क्या जीनियस स्कूल वाकई में रेप्टिलियंस के कब्जे में है? वो लोगों में माइक्रोचिप्स को फिट करके उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। माफ करना, क्या आप इसको समझाएंगे? वैसे ना भी समझाएं तो भी चलेगा। ये क्या है? रेप्टिलियन क्राफ्ट। वो अपने लिए बेस का निर्माण कर रहे हैं और पृथ्वी पर बसने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे देखने दो, वो लोगों का अपहरण कर रहे हैं और सेनाओं के साथ गुप्त समझौता कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें पृथ्वी पर हमला करना ही है तो फिर वो अचानक से अभी ही हमला क्यों नहीं कर देते? ये गैलेक्टिक ट्रीटी का उल्लंघन होगा। गैलेक्टिक ट्रीटी? ये पूरी तरह से वर्जित है, बेवजह दूसरे ग्रहों की संस्कृति में दखल देना। जरा रुको, वो अभी भी प्लैनेट में घुसपैठ तो कर ही रहे ना? उन्होंने उसे ग्रे इलाके तक सीमित कर दिया है।
वो इसे बुद्धिमता परीक्षण कहते हैं। ये जगह इतनी ग्रे क्यों है? इस ब्रह्मांड का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, आकर्षण का नियम। एक जैसी वेवलेंथ की रेडियो तरंगें एक दूसरे से संवाद कर सकती हैं, मस्तिष्क में भी मार्ग बना सकती है और उनके बीच यात्रा करने की अनुमति दे सकती है। ये एक तरफा हमला नहीं है। सत्ता के भूखे रेप्टिलियंस मनुष्यों और देशों के साथ अनुबंध की कोशिश करते हैं, जौनी की तरह सोचते हैं। इसी वजह से उन्होंने पृथ्वी पर हमला किया। इसका मतलब शांति प्रिय लोग ब्रह्मांड में दूसरे शांति प्रिय लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं। वाह, इट्स अमेजिंग। तो आप कह रहे हैं कि यही टीम फ्यूचर का मिशन है? सही हालातों को तैयार करना। हम चाहते हैं कि धरती के लोग फेडरेशन की तरह समान वेवलेंथ पर विचार करें। अगर तुम पृथ्वी पर रेप्टिलियंस के वर्चस्व से पहले ऐसा कर पाए तो पृथ्वी एक शानदार नए अंतरिक्ष युग में प्रवेश करेगी, अलौकिक प्रेम से सराबोर। लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? रेप्टिलियंस। तुम्हें फौरन पृथ्वी पर वापस जाना होगा। हे वहाँ देखो, खिड़की से बाहर, वहाँ कुछ है। वो एक यूएफओ है वहाँ पर। टेंशन मत लो, ये स्पॉटलाइट है। क्या हो गया है? जानती हूँ, मैंने कुछ चमकीली चीजें देखी थी। अरे सब ठीक है, बैठ भी जाओ। झूठा कहीं का। जनरल, क्या आपको लगता है कि वो ध्यान देंगे? हमें विश्वास होना चाहिए कि वे देंगे। जब तक कि धरती के लोग खुद इसे देख नहीं लेते और कार्रवाई करते, हमारे पास करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है, मतलब कुछ भी? ओह मैन, मुझे तस्वीरें लेनी चाहिए थी। ठहरो, ये क्या है? देखो देखो, मेरे पास पुख्ता सबूत है। किस तरह का सबूत? ये एक मून रॉक है। क्या क्या ये नहीं हो सकता? मून रॉक, मून रॉक, मून रॉक। ये तो पक्का है कि ये असली है। ये खूबसूरत है। अगर ये सच में मून रॉक है तो नासा या किसी भी म्यूजियम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सच में इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें असली और पुख्ता सबूत मिल गया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। रहे, हमने कर दिखाया दोस्तों। एक मिनट रुको, हमें अभी भी ये साबित करना होगा कि ये असली मून रॉक है। सही बात है। शायद हमें इसके लिए प्रोफेसर याओके से मिलना होगा। वो हमारी मदद करेंगे, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। गुड आइडिया। मैं देखती हूँ कि क्या कल हम उनसे मिल सकते हैं। तब तक हमें इसे छुपा कर रखना होगा। मैं कल पूरी रात जागता रहा और सो भी नहीं पाया। मैं हैरान हूं कि क्या मुझे विश्वास करना चाहिए मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा उस पर, या उस व्यवहारिक ज्ञान में भरोसा रखना चाहिए जिस पर हम सब सहमत हैं। व्यवहारिक ज्ञान के कारण कुछ भी अर्थ हो, मैं उसके साथ नहीं जी सकता ये जानकर कि असलियत क्या है। ये मेरे पूरे जीवन को एक झूठ बना देगा। मैं धोखे में नहीं रह सकता। अगर वास्तव में मेरा अस्तित्व है तो केवल एक काम जिसे मैं करूंगा वो होगा उन सभी गलत धारणाओं को ठीक करना जिस पर दुनिया का विश्वास है। वैसे भी सबूत क्या है, मुझे उनकी जरूरत नहीं। वो सारे सबूत मेरे दिल में बसे हुए हैं। चाहे हम ये साबित कर सकें कि सच क्या है और क्या नहीं, रियलिटी तो रियलिटी है और सच हमेशा सच रहेगा। अपने वर्षों के अध्ययन और शिक्षा के बाद मैं आखिरकार समझ पाया हूँ कि मैं आखिर हूँ क्या। मैं आज से सच्चाई से जीने का वादा करता हूँ और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारी रिसर्च में सहयोग करूंगा। क्या क्या आप सच कह रहे हैं सर? मुझे उम्मीद है कि शक करने के लिए तुम लोग मुझे माफ कर दोगे। एक्चुअली सर, हमारे पास सच में एक सबूत है। ये सच है सर। क्या? हमारे पास मून रॉक है। याद कीजिए, हम दोनों ने इसे देखा था जब हम एक साथ थे। क्या सच में? हाँ सर है।
तो तुमने उस पत्थर को यहां पर छुपाया हुआ है हा? कोई बात नहीं, तो हम तुम्हारे इस मून रॉक पर एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, एजुके? हाँ हाँ हाँ, अभी लेके आता हूं, डोंट माइंड। बस हो ही गया। पत्थर गायब है। वो हमारा एकमात्र पुख्ता और ठोस सबूत था। नहीं, मैं जानता हूं कि वो इसी बॉक्स में था, तुम सभी ने देखा था उसे। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? मैं जानता हूं कि मैंने वो पत्थर देखा था और अपने हाथों में भी लिया था। प्रोफेसर, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, इन पर भरोसा करो। मुझे माफ करना, मुझे लगता है इसके पीछे कोई है, मुझे तुरंत जाना होगा, मुझे कुछ करना होगा। ये काम स्कूल में जरूर रेप्टिलियंस ने किया होगा। पर कैसे? रेप्टिलियंस को कैसे पता चला कि हमने इस पत्थर को कहां छिपा रखा है? और इस जगह को देखो, लगता नहीं जैसे किसी ने यहां खोजबीन की है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसी को पहले से ही पता था कि वो यहीं पर है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये हम में से किसी एक ने किया है? जानते हो ये कितनी घटिया सोच है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम में से किसी ने हमें धोखा दिया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम में से किसी को कोई रेप्टिलियन कंट्रोल कर रहा हो। ये शायद मैं हूँ। मैं ही हूँ, मैंने ही किया होगा ये। शायद कल देर रात मैं हॉस्टल से बाहर निकली थी और फिर यहाँ पहुंचकर मैंने मुनरॉक को चुरा लिया। इस सब का ये मतलब है कि अब मैं रेप्टिलियंस के हाथों की कठपुतली हूँ। उन्हें उस ऊंचे ऑपरेशन को खत्म करना चाहिए जो वो मुझ पर कर रहे हैं, लेकिन ये हो गया है और अब मेरी पूरी जिंदगी एक पहेली बन गई है। अब मैं एक कठपुतली हूँ और पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हूँ, और अब आप सभी को मुझसे दूर हो जाना चाहिए। सुनो तो, ये डरावना है, वो बहुत टूट चुकी है, ये ठीक नहीं है। उसके अलावा और कोई जानता भी नहीं था कि पत्थर कहाँ है। टायलर, क्या सोच रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने उसे चोट पहुंचाई है? मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ऐसा हो सकता है। रे, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? वैसे मुझे उस पे शक नहीं था, लेकिन ये रेप्टिलियंस की गलती हो सकती है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम कितने बुरे हो, मुझे यकीन नहीं होता। ये बहुत बुरा है, मैं जा रही हूं, मैं तुम दोनों के साथ दोबारा कुछ भी नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अब यहां से चले जाना चाहिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रे, लड़कियां ऐसी होती हैं। हमारे पास सबूत नहीं है और प्रिंसिपल और प्रोफेसर याओके ने सब हमारे ऊपर छोड़ दिया है, और अब हमारी टीम भी बट चुकी है। ओह गॉड, मुझे लगता है कि यह सब बेवकूफी से भरी एक सोच थी कि हाई स्कूल में पढ़ने वाली हमारे जैसों की एक टीम आक्रमणकारी एलियन से अकेडमी की रक्षा करेगी। सब खत्म हो गया रे, मुझे लगता है हम सबका साथ यहीं तक था। खैर, चलो फेस्टिवल में बाहर चलते हैं और कुछ खाने की चीज लेते हैं। रे, तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जाओ। ठीक है। I lost something.
खाले को बताओ कि तुम पहले से ही शर्मिंदा हो। मुझे लगा तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम बच्चे नहीं हो। क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि इस वक्त थाले पर क्या गुजर रही होगी? बेशक मुझे पता है। नहीं, मुझे पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता। वो हर समय तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। तुम ये जानते हो फिर भी जानबूझकर ऐसा करते हो। क्या तुमने कभी उसे थैंक यू बोला है जब कभी भी वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करती है? कई बार कहा है। नहीं, तुमने नहीं कहा। कहा है। तो उसे बताओ तुम क्या महसूस करते हो। क्या सच में तुमने कभी उसकी आंखों में देखकर थैंक यू कहा? ये बात दिल से कही जाती है, ये बात जानते हो? नहीं। ओह बॉयस, मैं हार मानती हूं। तो मैं क्या करूं? वेल, तुम्हें क्या लगता है ऐसे में हाले तुम्हें पसंद करेगी? जरा इस बारे में भी सोचने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या चाहती है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि एक लड़की के दिल के अंदर क्या चल रहा है? क्या वाकई? वेल, तुम अपने बारे में क्या कहोगी है ना? क्या तुम्हें पता है कि लड़के कैसा महसूस करते हैं? देखो, तुम्हें नहीं पता। मुझे ये पसंद है, तुम जानते हो कि। बेशक तुम करती हो, मैं भी उसे पसंद करता हूं। क्या सच में? हे, एक मिनट रुको, वैसे वाला नहीं। ओके, ठीक है, मैं उससे माफी मांगूंगा। और देखना, मैं ये करके रहूंगा। मैं उसकी आंखों में देखूंगा और कहूंगा, हे, आई एम सॉरी। गुड। कितना गर्म है। हेलो। हे, गुड। अच्छा हुआ कि सब लोग यही हैं। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है अब हम शुरू कर सकते हैं। क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, मैं खुद अभी आया हूं। तो ये सब क्या है? उन्होंने एक मशीन बनाई है जो एलियन से संपर्क कर सकती है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, ये सही है। ये हमें उन्हें देखते हुए उन पर नजर बनाए रखने में भी मदद करेगा। वाह, क्या कमाल की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है, मुझे लग रहा था कि तुम लोगों की इसमें दिलचस्पी होगी। पर ये काम कैसे करती है? ये आकर्षण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। लॉज ऑफ अट्रैक्शन? उस बकरी जैसे एलियन ने इसके बारे में बताया था। इससे हम उन मस्तिष्कों के बीच संचार स्थापित कर सकते हैं जिनकी वेवलेंथ समान है। ये मशीन मस्तिष्क की तरंगों को फैलाती है और फिर उन्हें अंतरिक्ष में एक निश्चित दिशा में पहुंचाती है ताकि परग्रहियों के साथ संपर्क स्थापित हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका परीक्षण कर चुके हैं। क्या इसने काम किया? हमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। मुझे इससे बहुत उम्मीद है, लेकिन ये अपने आप काम करने में अभी असमर्थ है। हमें इसके साथ खास मस्तिष्क तरंगों वाले लोगों को जोड़ने की जरूरत है, जैसे कि तुम लोग। इसका मतलब आप टीम फ्यूचर के साथ काम करना चाहते हैं? तुम सभी पांचों ने कुछ अद्भुत चीजें देखी हैं। तुम पर परीक्षण करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अगर इसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो तो। वैसे सर, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। औरों का तो नहीं पता, पर मैं तैयार हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुनहरा मौका गवा दूंगा? तो ठीक है, ऐसा लगता है कि सबकी एक राय है। Obviously, मैं भी तैयार हूं। गुड। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सभी रिलैक्स हो जाओ, अब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। बढ़िया, अब एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। जहां तक हम जानते हैं, हम अपनी किस्म के पहले प्राणी हैं जो इस तरह एलियंस के साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद है आपसी शांति और समृद्धि के लिए हम उन तक पहुंचेंगे। आप सभी एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने ध्यान को इकट्ठा करो।
और इस समय तुम्हारी साझा दोस्ती तुम सबको एक बंधन में बांध रही है। ध्यान लगाओ, अपने विचारों को एक साथ जोड़ने के लिए उस बंधन का इस्तेमाल करो। सच्चाई और क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी खोज पर ध्यान केंद्रित करो। सभी के लिए आशा, अमन, सफलता के लिए अपने जुनून को गले लगाओ। कर दिखाओ, तुम कर सकते हो। मुझे भी ऐसा लगता है। ओह डियर, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये पुराना और गंदा है, मुझे पता है। बेशक ये शानदार नहीं है, मुझे लग ही रहा था। इसे बाहर लाने के लिए मैं शर्मिंदा हूं। ओह डियर, अब मुझे ऐसे मत घूरो। कौन हो तुम? तुम आए कहां से हो? मैं एक ग्रह से आया हूँ जिसका नाम है उमो, और मैं जरूर कहूंगा कि अब से कुछ समय के लिए एसुके का एहसान मंद रहूंगा। क्या? मैं क्यों? मेरा मतलब था, कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे शरीर का बार बार इस्तेमाल करूंगा। मुझे माफ कर दो। मेरा इस्तेमाल करोगे? तो क्या तुमने मेरे शरीर का इस्तेमाल पहले भी किया है क्या, मेरी इजाजत के बिना? सच बताओ। तुम जल्दी समझ गए। ओ, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मगर इस बात का अब कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि इस वक्त तुम उस शरीर में हो जो तुम्हारा है ही नहीं। हाँ, ये तो है। मैं अपनी मर्जी से शरीरों को चुनकर उनमें आ जा सकता हूँ। तो क्या तुम कोई आजाद घुसपैठिए हो? परग्रहों को समझने के लिए पृथ्वी के लोगों को आत्मा और आत्माओं की दुनिया को गहराई से समझना होगा। मुझे लगा था कि पृथ्वी के बच्चों के लिए यह भी मुश्किल होगा। यही समझने के लिए मैंने चुपके से उनके शरीर में घुसने का फैसला किया। मुझे माफ कर दो। पर तुमने एसुके को ही क्यों चुना? वैसे अपनी खोजबीन के दौरान मुझे पता चला है कि मैं पृथ्वी पर बनने वाली कार्टून फिल्मों का शौकीन हूँ। चैपनीज कार्टून बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या तुम उन्हें मेरे साथ देख रहे थे क्या? सच बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे देख रहे थे, जबकि मुझे लगा कि मैं अपने कमरे में अकेला हूँ। हाँ, मैंने देखे थे। तुमने मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन किया। अब मैंने किसी को नहीं बताया जो कुछ भी मैंने देखा। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हें लड़कियों के शो पसंद है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एसुके, शांत हो जाओ। इसने हमें यहाँ आने दिया ताकि हम इसे देख सकें। हाँ, मैं माफी मांगना चाहता था, और तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। हाँ, अगर एसुके नहीं होता तो हम इस यूएफओ पर नहीं होते। ये सच है, थैंक्स एसुके। एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये एक पुराना जहाज है, और मैं इतने सारे लोगों को एक साथ यहाँ पहले कभी नहीं लाया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्लीडीज के निर्देश तुम्हें सुरक्षित रहेंगे। क्या प्लीडीज, जहाँ सारे खूबसूरत लोग रहते हैं? तुम प्लीडीज 5 के बारे में सोच रहे हो? हम वहाँ नहीं जा रहे, हम दरअसल प्लीडीज 3 पर जा रहे हैं, वो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट पर। क्या रिक्वेस्ट पर? लेकिन किसने की? ऑफ कोर्स, तुम्हारी आत्मा से निकली रिक्वेस्ट पर हम वहां जा रहे हैं। तो क्या तुम सब तैयार हो? मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ।
शायद ये अब तक की सबसे शर्मनाक लैंडिंग थी। मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दो। वो क्या है? मुझे हुक्म है कि मैं तुम्हें इसे देखने के लिए आमंत्रित करूं, अगर तुम चाहो तो। ये पोशाक मुआयना करने वालों के लिए है। याद रहे कि हम अंदर जाकर छात्रों का ध्यान ना बटाएं। छात्र? तो इसका मतलब है कि ये जगह एक स्कूल है? Well, पृथ्वी पर तुम इसे स्कूल कहते हो, लेकिन यहाँ ये उससे कुछ ज्यादा है। जो भी हो, come on, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खेद है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिर्फ संभ्रांत लोगों के लिए है। संभ्रांत लोग? इसका मतलब ये स्कूल उन बच्चों के लिए है जो पहले से जानते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्कूल वास्तव में संभ्रांत बनने में मदद करता है। और अब इस ग्रह पर ध्यान दें। यहाँ के वासियों ने मसीहा या धार्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन में खुद को विभिन्न राष्ट्रों और जाति समूह में बांट लिया है। उनकी शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप वो विभिन्न धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करते हैं। इस मार्गदर्शन और आत्मीय ज्ञान के माध्यम से आत्मा को निखारने का भगवान का इरादा स्पष्ट हो जाता है। हालांकि क्योंकि कुछ आत्मीय ज्ञान की अवधारणा को नहीं समझ पाते, इसलिए भयंकर युद्ध और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, इस ग्रह के लोगों के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा के साथ साथ बेशक उनके पास खेल, नैतिकता, कला, सरकार और धर्म है। दूसरे शब्दों में यहाँ विद्यार्थी सीखते हैं और बढ़ते हैं अपने सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने और मानव स्वभाव को गहराई से अध्ययन करने के लिए। गहराई से अध्ययन? ऐसा मानना है कि उन लोगों की मदद के प्रति हमारी ज्यादा जिम्मेदारी होती है जिनके पास बहुत थोड़ा है। और यहाँ के पाठ्यक्रम में छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए निस्वार्थ स्वभाव से सोचने के लिए तैयार किया जाता है। आखिरकार इन विद्यार्थियों को ब्रह्मांड और विशेष ग्रहों के आध्यात्मिक नेता बनना होगा। मुझे खेद है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? गलती मेरी है, हमें पूरी तैयारी से आना चाहिए था। मरम्मत के लिए मुझे किसी को बुलाना होगा। मुझे बहुत खेद है। मतलब हम घर वापस नहीं जा सकते? मुझे माफ कर दो, ये सच है। ये सच में बेकार है। अरे देखो, वो रहा तुम्हारा जहाज, मिस एना। क्या, मेरा जहाज? जहाज ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। बच्चों, इस जहाज पर चढ़ना ही ठीक रहेगा। वैसे सच में ये एक बेहतरीन सवारी लग रही है। मुझे माफ कर दो। नहीं, पता है तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। जवाब देने के लिए शुक्रिया। मतलब मुझे खुशी है कि तुम दिल से याद करने पर आ गए थे। मुझे लग रहा है मुझे भविष्य की बहुत सारी जानकारी मिली, इससे बहुत मदद मिलेगी। और तुम मेरे शरीर को भी किसी भी समय ले सकते हो, बस किसी को बताना मत। थैंक यू। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। मिस एना, तुम्हारा जहाज। ये है वो जहाज जो तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाएगा। तुम यहाँ सुरक्षित हो? ठीक है, हम तुम्हें हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक बार में एक। ये मेरी आवाज जैसी लग रही थी। और इससे पहले वो रे की आवाज थी, और अब ये तुम्हारी आवाज है। हम वापस पृथ्वी पर जा रहे हैं ना? क्या तुम थोड़ा सा घूमना चाहोगे? चलो पेगा की यात्रा पर चलते हैं। Thank you.
तुम देख सकते हो कि ऐना के दिल में क्या है। मेरे दिल में? हाँ, और जब तुम्हारा दिल धड़कता है तो दुनिया का भी। ये कौन है? क्या ये वेगा से है? लेकिन वो पृथ्वी की लगती है और थोड़ी जानी पहचानी सी। हेलो एना, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? आखिर हम मिल ही गए। मुझे इतनी चिंता थी कि तुम शायद मुझे भूल गई होगी कि मैं कौन थी। रुको, क्या ये तो है ना, जब वो छोटी बच्ची थी। हाँ? ये वही है, मैंने इसकी फोटो देखी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगता है कि पृथ्वी पर ज्यादातर लोग सिर्फ उन्हीं चीजों में यकीन करते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं। यहाँ तक कि जब वो इसे देखते हैं तो जिस इंसान को आप अपनी आंखों से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि हकीकत में क्या वो तुम ही हो? तुम भूल चुके हो कि वाकई में तुम कौन हो? ये तो मैं हूं, जब मैं एक छोटा बच्चा था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम वाकई में कौन हो? तुमसे कोई नहीं जीत सकता। हे, सच में ये जगह कुछ अजीब तरह की है। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि हमने आपको बहुत ज्यादा नहीं डराया होगा। भले ही आप लोग पृथ्वी से आए हैं, लेकिन आत्माओं के संसार में वापस लौट जाने के बाद आप सब कुछ ऐसा ही अनुभव करेंगे। ये तो मैं हूँ। और ये मैं हूँ। हम एक साथ अच्छे लगते हैं, सही कहा ना? पृथ्वी पर अभी कुछ खौफनाक बातें हो रही हैं, है ना? कुछ लोग बस अपनी जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं, कभी नहीं जान पाते कि वो आत्माओं के संसार में पैदा हुए थे। वो तो आत्माओं के संसार को मानने से भी इनकार कर देते हैं और इसके बाद भी वो इस संसार में आते जाते रहते हैं। पागल है ना वो। लेकिन मैं इस संसार में विश्वास करती हूँ। पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचती हो? पुनर्जन्म? मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पुनर्जन्म बौद्ध दर्शन है, जहां मनुष्य का इस संसार और किसी दुनिया में कई बार पुनर्जन्म होता है, और मैं भी ऐसा ही मानता हूं। मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में शायद कोई एक सम्राट था। तुमने सही अनुमान लगाया, तुम एक शहजादे थे पिछले जन्म में। मजाक कर रहे हो? क्या ये इमेजिन करना मुश्किल है? इंसान अलग अलग देशों और युगों में पुनर्जन्म लेते हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति के ज्ञान को जमा करते हैं, और ऐसा करने पर हमारा विकास होता है। लेकिन जब धरती पर हमारा फिर से जन्म होता है, हम अपनी सारी यादें खो देते हैं और फिर से नया जीवन शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है। क्या मतलब? हमारा मतलब है, ये सब कुछ बस इसलिए है कि आप किसी भी तरह अपने जीवन में सच्चाई पा सके। क्या? पर ये सब पाना बहुत मुश्किल है, मैं कहूंगा नामुमकिन है। मैं समझती हूँ, जैसा कि हमें मालूम है आज पृथ्वी पर ये बहुत मुश्किल है। एलियंस या आत्मा के संसार के बारे में बात करना कठिन है, ऐसे में लोग तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि पूरे जीवन के दौरान लोगों को अपने वजूद और परलोक को जानने के लिए बहुत से मौके दिए जाते हैं। और क्योंकि तुम इस बात से बेखबर हो कि तुम्हारे पिछले जन्म में परिवार और दोस्त थे, और एक दूसरे को पनाह देने वाले ही
एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हम ये सब भूल गए और ये बहुत बड़ी विडंबना है। यही कारण है कि तुम सब कुछ भूल गए कि तुम्हारा वजूद क्या है। हमारा वजूद? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझी नहीं, तुम हो कौन? जब तुम मुझ पर ध्यान देते हो तो तुम दरअसल क्या देखते हो? एक अक्स, अपने आप का? जरा याद करो, तुम्हारा अपना वजूद, तुम्हारे जीवन का सच, अपना अंदर का। देख सकती हूँ, मैंने बहुत बार जन्म लिया है, बहुत सारे ग्रहों पर, न सिर्फ मैंने बल्कि हर किसी ने। क्या ये प्रकाश का स्रोत है? हमारे जीवन का स्रोत। अब चलने का समय हो गया, कुछ लोग आपका धरती पर इंतजार कर रहे हैं, चलें। जानते हो, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, मैंने कभी अपने पर विश्वास नहीं किया था। दरअसल कुछ खास नहीं था जो मैं अपने जीवन में करना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता है, मेरा मतलब हम सबको पता है कि हमारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने के लिए नहीं बनी है। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है जो हम सबको पूरा करना है। आखिरकार मुझे अपना उद्देश्य मिल गया है, मेरे ही अंदर, ये हमेशा से वही था। मुझे लगता है कि आखिरकार मैं खुद पर विश्वास करता हूं। मेरा सपना, मेरी मंजिल, एक यूएफओ बनाकर तारों की सैर पर निकल जाना है। याहू, मैं नासका यूनिवर्सिटी जाऊंगा और प्रोफेसर याओके के साथ रिसर्च करूंगा। मैं सच में कड़ी मेहनत करूंगा और अपनी सभी रिसर्च को पूरा करूंगा। मैं पृथ्वी पर सबसे पहले यूएफओ बनाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है टाइलर, मैं भी अपना लक्ष्य नहीं जानती थी। मैं छोटी थी, मेरा ये सपना था, लेकिन मैं अब तक इसे भूली नहीं थी। मेरे मम्मी पापा मुझे एक अद्भुत फिल्म दिखाने ले गए थे और मैं उसके प्यार में गिर गई थी। मैं फिल्में बनाना सीखना चाहती हूँ जो लोगों को उसी तरह प्रभावित कर दे, क्योंकि फिल्मों के जरिए हम ऐसी कहानियाँ बुन सकते हैं जो निराले तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, आशा के संदेश के साथ जो उनके सपनों को दिशा दे। और अब मैं भी अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। तुम ये जरूर कर पाओगी, है ना? आगे बढ़ो और एक एनिमेशन बनाओ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, या फिर मेरे कुछ अपने ही आइडियाज होंगे। मुझे एक टीचर बनना है। चौंक गए ना? लेकिन जब भी हम टीचर्स के बारे में सोचते हैं, वो बहुत ही दिलचस्प लोग होते हैं जिनकी शानदार सोच होती है और उनके पास कहानियों का भंडार होता है, और उसमें स्टूडेंट्स हीरो या हीरोइन बनते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के हीरो या हीरोइंस। मेरी राय में मैं खुद को हमेशा दूसरों से थोड़ा अलग महसूस करती थी। तुम मुझे जरा शर्मीला कह सकते हो, मगर जब जाना कि अपने आप में जीना भी अच्छा होता है, और तुम जो भी हो खुद से प्यार करो, मुझे लगता है मैं जो भी महसूस करती थी उसके लिए अब और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं धर्म को पढ़ना चाहती हूँ और दुनिया को एक दूसरे के साथ प्यार से रहने में मदद करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने जीवन को समर्पित भी कर सकती हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर जो ये जुनून है, मुझे इस पर कैसे काबू पाना चाहिए। लगता है मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे क्या करना है।
लेकिन एक बात तो तय है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ ढूंढता रहा हूं और यह सच है, मैं अपनी इस खोज को कभी नहीं रुकने दूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मुश्किल है, जिस सच को हम ढूंढ रहे हैं उसे हमें पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहिए। यह हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। वो वापस आ रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। तो क्या आप मॉनिटर में सब कुछ देख रहे थे? नहीं, जिस समय तुमने पृथ्वी को छोड़ा हमने सिग्नल खो दिया। हम प्लीएडीज और वेगा में गए थे। क्या सच में? वैसे प्लीएडीज 420 प्रकाश वर्ष दूर है, वेगा थोड़ा सा करीब है, लेकिन अभी भी 25 प्रकाश वर्ष दूर है। ऐसा लगता है कि हमें 25 साल तक इंतजार करना होगा कोई भी तस्वीर देखने के लिए। पर 25 साल तक इंतजार? लेकिन अपने सभी सपनों के बारे में विचार करना मजेदार रहेगा और देखना कि ये सच होते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, दुश्मन हमारी ओर बढ़ रहा है, अब समय आ चुका है। वो सभी को फुटबॉल ग्राउंड में इकट्ठा कर रहे हैं। चलो चले। छात्रों और अध्यापकों, आने के लिए शुक्रिया। जिस चमत्कार का लंबे समय से इंतजार था वो अब होने को है। ये खूबसूरत लड़की आपकी आंखों के सामने बदल जाएगी। आप देखेंगे कैसे वो साधारण प्रतिभा से असाधारण प्रतिभा में बदल जाती है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हो जाइए गवाह बनने के लिए, शुरू करते हैं। सुनो, हे ब्रह्मांड के ज्ञान, ये लड़की सबसे बेहतर बनना चाहती है, इसकी इच्छा को पूरी करो। नहीं हाले, मैं जाऊंगा। ना तुम्हें, ऐसा मत करना। मुझे पता है कि वैसी जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है, कभी कभी यह असंभव लगता है, लेकिन अगर तुम अपनी इस लड़ाई को जीत लोगी तो अपने सपनों को ज्यादा अच्छे तरीके से साकार कर पाओगी। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में? हे सुनो, तुम कौन होते हो महानता पर उपदेश देने वाले? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद ही बहुत कुछ सीखना है। कैसे जीनियस हो तुम जिसे सही और गलत के बीच का अंतर भी नहीं पता? खुद को हारे हुए के साथ खड़ा करने से कोई महान इंसान नहीं बनता। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसमें सिर्फ अंधेरा है। ओ तुम, सुनो, क्या तुम्हें पता है कि एक संभ्रांत इंसान कौन होता है? वो जो दूसरों के लिए जीता है, ना कि अपने लिए, समझे तुम? इस समय तुम सिर्फ अपनी परीक्षा और छोटे मोटे उद्देश्य पर ध्यान दे रहे हो। तुम उस दृष्टि को पूरी तरह से खो चुके हो। खुद में यकीन करो, अपनी इच्छाओं को जगाओ, अपनी मंजिल चुनो और उसको हासिल करने की कोशिश करो। ये अकेडमी मेरे लिए मेरी दुनिया है, मुझे इससे प्यार है। एक साथ पढ़ाई करने, स्पोर्ट्स डे और कल्चरल फेस्टिवल मनाने में बिताया गया वो समय, उन सभी बातों को याद करो जो आप सब पाना चाहते थे। वापस सोचो और याद करो। मुझे अब महसूस हो रहा है कि एक स्कूल को अपने छात्रों को क्या देना चाहिए। कड़ी मेहनत और खुद की राह रोशन करने की अहमियत, सही और गलत को बताने की ताकत, महान जिम्मेदारी की भावना, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, इच्छा से भरा दिल जो चुनौती देने की हिम्मत रखता है, और आखिर में खुद पर गर्व और अपने स्कूल में विश्वास। तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपनी जिंदगी समर्पित करता हूं इस एकेडमी के छात्रों का शिक्षक और गुरु होने के नाते।
गैलेक्टिक फेडरेशन ने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। हम टीम फ्यूचर की ताकत और एकता के लिए धन्यवाद देने की एकमात्र वजह से यहाँ पर हैं, जिन्होंने आखिरकार हमें एक आध्यात्मिक चुंबकीय क्षेत्र बनाने में कामयाबी दी है। मैं चाहती हूँ कि आप जान लें, हमारी फेडरेशन धरती की हर पल निगरानी कर रही है। और मैं जरूर बताना चाहूंगी, हमें लगता है कि धरती को ब्रह्मांड की सच्चाई जानने में काफी देर हो चुकी है, जिसमें आध्यात्मिक ब्रह्मांड भी शामिल है। इसका अर्थ है कि आपको अपना दिमाग खोलना चाहिए और विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एकता के नए युग में प्रवेश करना चाहिए। टीम फ्यूचर, तुम्हारी पूरी क्लास और बाकी नाज़का एकेडमी, हम आपके साथ एक समझौता करना चाहते हैं जो यहाँ से शुरू होगा, ताकि एक नए युग का हम निर्माण कर सकें। हेलो बच्चों, इतनी जल्दी नहीं, कोई समझौता नहीं। तुम बेलगाम जानवरों के झुंड के साथ क्या करोगे? क्या कहा? तुम सभी वो जानवर हो। पहचाना मुझे? मोरोई? नहीं, वो जरूर एक रेप्टिलियन है। मेरा परिचय कराने के लिए शुक्रिया। मुझे हैरानी है, किस छोटी सी चीज को कोई कैसे छोड़ सकता है? नात्सुमी, तो ये इसके पास थी? ये वही रेप्टिलियन है जिसने एकेडमी में घुसपैठ की थी। मैं जानता था उस रात को चल रहा है, मैंने तुम्हें जंगल में अकेले में देखा था। मैंने तुम्हें अपने दोस्तों पर शक करने के लिए थोड़ा सबक सिखाया था, बस इतना ही। इसी वजह से तुम हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि हम गैलेक्टिक फेडरेशन में ना आ पाए। हम अमेरिकी, चीनी और रूसी सेनाओं में तुम्हारे एजेंटों के बारे में सब जानते हैं, और हम तुम्हें रोक कर ही रहेंगे। सचमुच? नात्सुमी, अमेरिकन हमारे दुश्मन है, लेकिन हम ज्यादा चालाक, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा मजबूत है। हम लड़ रहे हैं ताकि इस ग्रह को हम अपना बना सके, समझे तुम? नात्सुमी, ये गैलेक्टिक के नियमों का उल्लंघन है। पृथ्वी के शासक क्रिप्टेलियंस के साथ संपर्क करने का अनुरोध कर रहे हैं, फौजी रहस्यों में उनकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फेडरेशन हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। इसका मतलब पृथ्वी मेरी हुई, मैं जीत जाऊंगा। वो दिन जल्दी आएगा, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा चाहता हूँ, तुम जानते हो क्या है, मेरी शक्ति का सबूत देना, मेरे होने का एहसास कराना। मेरे प्रभुत्व को स्वीकार करो और अपने सर्वोच्च गुरु के रूप में मुझे नमन करो। तुम लोग समझते क्यों नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैंने जो कहा तुम सबको समझ में आया? तुम एक बेवकूफ हो। लेकिन मैं समझ गया हूँ। तुम चाहते क्या हो? गैलेक्टिक फेडरेशन रोने वाले डरपोकों का एक समूह है, निराशाजनक तुच्छ प्राणियों की टोली। तुम्हारा समय हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। गैलेक्टिक फेडरेशन ईश्वर की सेवा करती है। अगर तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर को खुश रखना है, तो तुम्हें लड़कर जीतना चाहिए। ईश्वर के प्रति सम्मान दिखाने का सही तरीका जीत के लिए लड़ना है, जैसे मैं करता हूँ। भगवान केवल मन और आत्मा की खुशी चाहते हैं। अकेडमी पर कब्जा करने के बाद तुम क्या करने वाले हो? मुझे अकेडमी की चिंता नहीं है, ये तो बस एक तुच्छ लालच है। मेरी योजना गैलेक्टिक फेडरेशन और धरती के रक्षकों को इकट्ठा करके उन सबको समाप्त करने की है, यही मेरा लक्ष्य है। तुम बच्चे मुझे नहीं रोक सकते, धरती के रक्षक। धरती के रक्षक? ये नामुमकिन है, और अब जीत मेरी होगी। Yeah.
कैसे हो सकता है? मेरा संकेत दहार तक पहुंच चुका है। दहार, जो कोई मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा उसे ब्रह्मांड अंधकार में मिला दिया जाएगा। ये सब क्या चल रहा है? दहार ब्रह्मांड के अंधकार का दूत है, वो बुराई के देवता का गुलाम है। बुराई के देवता का गुलाम? ब्रह्मांड का अंधकार क्या है? शक्तियां बुराई के देवता द्वारा भेजी गई थी और वो सभी को खींचकर ब्रह्मांड के अंधेरे में धकेल दी। मैं चीनी सेना के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे रास्ते के कांटे हो तुम, पृथ्वी ग्रह के मनहूस संरक्षण देवता और गैलेक्टिक फेडरेशन। अब मैं दहार की शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा तुम सबको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। हम एशिया में सत्ता पर कब्जा करेंगे और हमारी आखिरी चाल उन खतरनाक अमेरिकी रेप्टिलियंस को नीचे लाने की होगी और फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हम जीतेंगे। तुम दहार की अंधेरी शक्तियों को काबू नहीं कर सकते। सच ये है कि ब्रह्मांड के बुरे देवता तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे कोई परवाह नहीं जब तक मैं जीत नहीं जाता। मूर्ख हो तुम। अगर हमने शक्ति को नहीं रोका तो पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंधकार में गुम हो जाएगी। पूरी पृथ्वी? हे, ये क्या हुआ? हे दोस्तों, देखो। जीनियस स्कूल? मुझे माफ कीजिएगा। भागो इस तरह। छोड़ो मुझे। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम जान गए कि तुम कौन हो। मुझे माफ करना। Ha ha ha!
इस तरफ जल्दी। जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। उस ड्रैगन पर मिस्टर तकामिने, ये आप हैं? ये सब मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें यहां से निकलना होगा। पर कैसे? तुम्हें वापस प्रकाश की ओर जाना होगा। अगर अब हम वापस नहीं जाते तो हम कभी भी यहां से निकल नहीं सकेंगे। पर ये हम कैसे करेंगे? यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रकाश के देवता में विश्वास। प्रकाश के देवता? वो कौन है? ये अंधकार का ब्रह्मांड है, अंधकार द्वारा शासित एक दुनिया। अगर तुम प्रकाश की दुनिया में वापस लौटना चाहते हो तो मौलिक प्रकाश में विश्वास करो। अंधेरे से उबरने का एकमात्र तरीका प्रकाश में विश्वास। हम उस चीज में कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते? मुझे लगता है कि तुम जानते हो। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। वो पहले से ही तुम्हारी आत्मा में है, उन्हें महसूस करो। मुझे बताओ, क्या इस ब्रह्मांड को धरती चाहिए? अ
अगर पृथ्वी गायब हो जाती है तो हर कोई मर जाएगा। ऑफ कोर्स हमें पृथ्वी चाहिए। केवल इसलिए हमारा अस्तित्व है? आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी सिर्फ इसलिए है ताकि हम जिंदा रह सकें? नहीं, मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा के लिए यहाँ इतनी सारी बातें हैं जो पृथ्वी को एक खास जगह बनाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी संपूर्ण है, पूरे ब्रह्मांड के किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। वैसे मैं इसे समझा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने दिल में जानता हूं, मैं पृथ्वी को बहुत प्यार करता हूं और इसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। हाँ, मैं इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मेरा भी यही मानना है, हमारी धरती बहुत सुंदर है। पृथ्वी, इस पर इतनी सारी आत्माएं हैं जिनका शायद इस ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर कई बार पुनर्जन्म हो चुका है, और वो आत्माएं जो अब पृथ्वी पर हैं, वो हमारे ग्रह को अपने घर की तरह प्यार करती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। हमारे पास केवल यही एक ग्रह है। ये ग्रह हम सभी के लिए बहुत खास है, और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो इस समय धरती पर है, ब्रह्मांड में हमारे सभी दोस्तों और मित्र देशों के लिए ये ग्रह हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। हे प्रकाश के देवता, पृथ्वी की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आप हमारा जीवन ले सकते हैं, हमारी आत्मा ले सकते हैं, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। प्लीज पृथ्वी को बचा लीजिए। ये क्या, ये नहीं हो सकता। नहीं, क्या तुम सब ठीक हो? मुझे तुम सब पर गर्व है। तुमने जो कुछ किया उसे करने का प्रयास पहले कभी नहीं किया गया। मुझे हैरानी है कि तुम सच में ब्रह्मांड के अंधकार में जाने के लिए तैयार थे। ये तो मेरा फर्ज था, मैं इन बच्चों के प्रति जिम्मेदार हूँ। हाँ, अब ये सब आपका सच जान चुके हैं। तो प्रोफेसर याओके, आप मिस्टर ताकामीने के बारे में जानते थे? मिस्टर ताकामीने एक परिवर्तित रेप्टिलियन है, वो मौलिक प्रकाश को मानने में विश्वास रखते हैं। परिवर्तित रेप्टिलियन? ये बात सही है, वो 1 करोड़ साल पहले इस ग्रह पर आए थे। उन्हें प्रकाश की शक्तियों ने परिवर्तित कर दिया है, अब वो धरती पर ज्ञान के साधक हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जब वो यहाँ आए थे तो थोड़े हिंसक थे। हमें बताइए प्रोफेसर, आप इतना सब कैसे जानते हैं कि नो वे? तो क्या आप एक, क्या तुम्हें लगता है कि कोई पृथ्वीवासी इस तरह की मशीन बना सकता है? मुझे लगता है कि हम सभी के कुछ राज हैं,
किसे पता था कि एक दिन एक रेप्टिलियन ध्यान रखने वाला और समर्पित शिक्षक बन जाएगा जो छात्रों की निगरानी करेगा। हे, वो देखो। मुझे विश्वास नहीं होता, ये परिवर्तित रेप्टिलियन, ये मूर्ख यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम सब ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? दीदी, नाथसुमी, मैंने आपको बहुत मिस किया दीदी। मुझे पेट का भी छोड़कर मन जाना। अब सब ठीक है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। नाथसुमी, मैं ये क्या करने जा रहा था? ओह गॉड, देखो। अब यहां हमारा काम हो गया, हमें अब चलना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बाकी हिस्से के लिए स्कूल की तरह है। यहां इतनी सारी आत्माएं पनपने की कोशिश कर रही हैं, साथ चलने की कोशिश, बदलने की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसे बच्चे क्लास में एक साथ पढ़ना सीखते हैं, ठीक वैसे ही ये भी सीख रही हैं। ये सबसे मुश्किल है जो हमारे अंदर मौजूद है। उदारता को सीखना हमारा सबसे मजबूत स्वरूप, इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे सामने आना बाकी है। हम सबको ये समझना होगा और साथ मिलकर रहना होगा। हम इस ग्रह को पूरे ब्रह्मांड का गौरव बना सकते हैं। मुझे पता है हम ये कर सकते हैं। हाँ? मुझे यकीन है कि इस बार हम अकेले नहीं होंगे। वाह!